उन में स्थित 13वीं शताब्दी की प्राचीन भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को भक्तों द्वारा बुधवार के दिन 56 भोग अर्पित कर सभी की खुशहाली की कामना की गई। यहां गणेश उत्सव के चलते विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। जिले का उन गांव में अपने अंदर कई विशेषताओं को समेटे हुए हैं। खास तौर पर यहाँ के प्राचीन मंदिर इस ग्राम को अलग पहचान दिलाते हैं। इन पुरातन मंदिरों में शामिल विघ्नेश्वर मंदिर में स्थापित 13 शताब्दी में निर्मित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इन दिनों आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है तथा गणेश उत्सव के चलते यहाँ भक्तों द्वारा विशेष पूजन अर्चन संपन्न कराए जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ गाँव के बाहर बने इस मंदिर में 13वीं शताब्दी में राजा बल्लाल द्वारा निर्मित करवाई गई गणपति प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कुछ दशकों यहाँ जीर्ण शीर्ण मंदिर के रूप में विद्यमान थी, जिसे भक्तों द्वारा बाद में नवीन मंदिर में स्थापित किया गया था। अपने पुरातन इतिहास के कारण अब यह मंदिर जन जन की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है तथा यहाँ प्रतिवर्ष 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन विघ्नहर्ता के विशेष श्रृंगार के साथ अन्य आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में बुधवार की शाम बप्पा की प्रतिमा की विशेष आरती के साथ उन्हें 56 भोग अर्पित किए गए एवं सभी की कोरोना से रक्षा एवं मुक्ति के लिए कामनाएं की गई। यहां प्रतिदिन होने वाले विशेष दर्शन पूजन के लिए ग्राम सहित आसपास के अंचल के गणेश भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।